हम सब जानते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं। हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। चुनाव के दौरान आचार संहिता लगाई जाती है ताकि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह से जनता को भड़काने का काम न कर पाए और पार्टी के प्रचार के लिए परमिशन लेकर ही प्रचार हो। सब कानून सही है, तभी निष्पक्ष चुनाव देश में कराए जा सकते हैं, पर फिर भी कानून के लूपहोल का फायदा कहीं ना कहीं उठाया जाता है, जिसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। 2019 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और देश में आचार संहिता लागू है। इसी बीच आपने अपने टीवी स्क्रीन पर एक नए चैनल को देखा होगा, जिसे देखते ही दिमाग में भाजपा की छवि बनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमो टीवी की, जो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन करता नजर आ रहा है, जिसकी पीएम मोदी ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से लॉन्च की घोषणा भी की थी और जिसे 31 मार्च को डीटीएच जैसे सभी प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पर चलाया जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगे हाथों चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी। चुनाव आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांगा। जवाब में आयोग को मंत्रालय ने अपने अधिकार गिना दिए और प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर चल रहे नमो को अपने अधिकार से बाहर बताया। साथ ही कानून में खामियों की बात भी कही। ये बात तो तय है कि कानून की खामियों का फायदा उठाया गया है और चैनल लॉन्च किया गया। प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब मंत्रालय ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। पर जो भी हो, चैनल चल रहा है, दिख रहा है, बिक रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ और चैनल भी दिख जाए। भाई, राजनीतिक रेस है तो दौड़ना तो हर कोई चाहता है, और अगर उड़न खटोला मिल जाए तो क्या कहने। नेशन वन से वीना शर्मा की रिपोर्ट।